उदयपुर जाने का मौका मिला, क्योंकि जब कॉलेज से साथी लोग निकलते थे उनसे वापिस, अब तो सोशल मीडिया का जमाना आ गया आज का, तो आप कहीं भी रहते हो तो एक दूसरे के कक्ष में रहते हो। तो जब उदयपुर जाने का मौका मिला और सामने मेरे DYSP की प्लेट लगी खड़ी हुई खड़े थे, तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ। मैंने कहा भाई साहब तो पढ़ाई लिखाई के अंदर इतने होनहार थे ही नहीं, फिर DYSP की रैंक पर कैसे पहुंच गए? तब उन्होंने मुझे बताया कि मेरा खेल कोटे के अंदर RPS बढ़ाऊंगा। तो इससे बड़ी आप लोगों के लिए अच्छी बात हो नहीं सकती। आप खेल को हल्के में नहीं है, हमें एक इस चीज का यहाँ से संकल्प लेके जाना है कि जो भी हम खेल खेलें उसको खेल की भावना से हमें खेलना है, और खेल जीवन में अनुशासन भी सिखाता है। मैं गुरुजन सामने विराजमान है, आप लोग समाज का भविष्य तय करने वाले लोग हैं, समाज को अच्छी शिक्षा देने वाले आप लोग हैं, लेकिन जो शारीरिक शिक्षक हैं, यदि किसी व्यक्ति और किसी समूह ने मुझे प्रेरित किया तो निश्चित रूप से जो शारीरिक शिक्षक है उन लोगों को मैं हमेशा दिल से सैल्यूट भी करता हूँ। आप लोगों ने वास्तव में अनुशासित जीवन दिखे। मैं देखता हूँ चाहे झंडारोहण का कार्यक्रम हो, चाहे आप टूर्नामेंट का कार्यक्रम हो या जिला स्तर के कोई बड़े कार्यक्रम हो, कहीं ना कहीं फ्लैग होस्टिंग से लेके कोई परेड की सारी जो अनुशासन की जो काम है वो कहीं ना कहीं शारीरिक शिक्षक ही करता है। इसलिए और हमेशा मुस्कुराता रहता है। मैं प्रेम जी और दो तीन तो सामने मुझे चेहरे दिख रहे, तो मेरे पड़ोसी भी, इन लोगों के चेहरे पे मैंने कभी सीखा नहीं देखी, तो इन लोगों से हम प्रेरणा भी लेते हैं कि व्यक्ति को हमेशा हंसता मुस्कुराता रहना चाहिए। और ये सही बात है कि खेल से शरीर स्वस्थ रहता है और स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसलिए आपको खेल को खेल की भावना से खेल के और अनुशासित तरीके से आपको आगे बढ़ना है। कई बार बड़े कार्यक्रम होते हैं जब आदमी, जैसे हमारी उम्र 50 साल हो गई, जब 50, 60, 70 साल के जो लोगों को हमने देखा है बाबा रामदेव की शरण में जाते हैं और फिर हाथ हिलाना शुरू करते हैं, क्या करे, योग कर रहे हैं, भाई देरी हो गई। यदि समय पर यदि आप लोग योग करते हैं, कई कई ओवरवेट हो जाते हैं, इतने इतने बड़े हाथ हिला रहे, आप क्या कर लोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपकी जो उम्र है बच्चों की, बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों की उम्र है, इसके अंदर कहीं ना कहीं अनुशासित तरीके से और समर्पित भाव से देखिए, आप किसी भी मंजिल तक पहुंचने की बात यदि करते हैं तो सबसे बड़ी बात है आपकी मेहनत और अनुशासन और उस कार्य के प्रति आपका समर्पण। जितना आप समर्पित होगे वो कार्य करोगे, मंजिल आपकी अपने आप सामने आएगी और आप उस मंजिल पे पहुंचने का प्रयास भी करोगे। अभी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था खिमसर के अंदर, जब अभी कार्यक्रम हमारा मुंडवा के अंदर चल रहा था, तो वहाँ की व्यवस्था के बारे में हमने जब बात की तो SDO साहब वगैरह सब बैठे थे, तो ये कहा मुंडवा के अंदर थोड़ी सी भामाशाओं की कमी है, लेकिन खिमसर में वास्तव में विचारधाराएं हमारी अलग अलग हो सकती है, ये लोकतांत्रिक देश है, व्यवस्था अलग अलग हो सकती है, विचारधाराएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन यदि भामाशाओं की हम बात करें तो निश्चित रूप से सभी धर्मों और समाज के लोग जो है वो बढ़ चढ़ के और हर कार्य के लिए अपने निजी आय में से आप लोगों को ये देते हैं पैसा, उसके लिए मैं सब भामाशाओं को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आप लोग अच्छा कार्य यहाँ करें और हम सबको मिलकर। और चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मैं चाहता हूँ कि तस्वीर बदलनी चाहिए हम सब लोगों को मिलके। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ, लेकिन आज यहाँ की जो हालात है, इस हालात का थोड़ा बहुत हमें इसको सोचने की जरूरत है, हमें विश्लेषण करने की जरूरत है। जब 2008 के अंदर सबसे पहले हमारे माननीय सांसद आज के हनुमान जी ने जब यहाँ का विधानसभा चुनाव लड़ा, तब की और अब की बातें जब देखते हैं, और वो जब बातें ऐसा लगता है जैसे कभी एक बुरा सपने की बात यदि हम करें, 2008 के अंदर जब सबसे पहले यहाँ इस धरा पर हम लोग आए थे और पूरा हमारा रेगिस्तान का इलाका, विचारधाराएं हमारे अलग है। उन जनप्रतिनिधियों से भी मैं निवेदन करूंगा कि पहले लोग ये कहते थे कि वार तो बेरी को भी शरम होती है, यदि आप कोई विरोधी भी अच्छा काम कर रहा है उसको भी आप सराहो, आप ऐसे मत करो कि ये क्या कर रहे हैं। आपको इतना निवेदन करूंगा, अभी मैं बैठा बैठा देख रहा था, और बड़ी आज हम सबके लिए परम हर्ष की बात है। अभी जब मैंने सोशल मीडिया खोला और मेरे पास माइनिंग विभाग से अभी जस्ट एक आदेश आया, उसके अंदर खिमसर विधानसभा क्षेत्र के लिए 30 विद्यालयों के अंदर 4,34,00,000 रुपए DML की आज की सेंसर आई है, और इससे पहले 99 विद्यालयों के लिए 8,60,00,000 के कक्षा कक्ष और हमारी डिजिटल लाइब्रेरी और उसके लिए 8,60,00,000 रुपए अभी सेंसर हमें, उसका भी कार्य जल्दी हम शुरू करेंगे।
उसके अलावा विधायक कोष से अब तक मेरे विधायक बनने के बाद 4.5 करोड़ रुपए मैंने अलग अलग स्कूलों के अंदर अलग अलग कक्षों के लिए हमने दिए हैं और 5 नए महाविद्यालय। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि मेरा थोड़ा सा ये फीता वीता काटने वाला ये सिस्टम मुझे कम सूट करता था। मैंने आपको आश्चर्य होगा कि एमएलए जब बनता है सरपंच भी बनता है उसकी बड़ी इच्छा होती है कि मैं कहीं ना कहीं फीते में कैंची चलाऊं, लेकिन मैंने विधायक बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ खींवसर के अंदर और वो भी बड़ा जिद किया उन लोगों ने कि आपने ग्रामीण गौरव पर सुंदर बनाया पदम सर पे तो उसका आप उद्घाटन करो। उसके अलावा मैंने आज तक कोई उद्घाटन नहीं किया। मैं एक ही चीज चाहता हूँ, काम होना चाहिए और काम किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति ने हम दोनों भाइयों को किसी भी काम के लिए कह दिया, हमने कभी काम के लिए मना नहीं किया किसी को। हमारा ये प्रयास है कि सर आगे बढ़े और उसके लिए मैं सबसे ज्यादा बधाई आप लोगों को दूंगा। अलग अलग विचारधारा के लोग होके भी आपने ईमानदारी से सबने मिलकर प्रयास किया। हमारा क्यों सर जो विकास से बड़ा दूर था पहले 2008 से पहले, आज विकास के नया आयाम इस क्यों सर के अंदर स्थापित हो रहे हैं। अभी आपने देखा लोगों ने क्यों सर के लोगों ने भी मांग की थी कि पदम सर पे एक्सीडेंट बहुत होते हैं तो यहाँ फ्लाई ओवर बनना चाहिए। हमारे सांसद महोदय ने तुरंत ही यहाँ फ्लाई ओवर का भी अभी सेंक्शन करा दिया। 1150 मीटर लंबा फ्लाई ओवर भी पदम सर पे बनेगा। मैं तो गुरुजन जो बैठे हैं इनसे मैं हमेशा पहले भी निवेदन करता हूँ, बिल्कुल सीबीओ साहब को मैं धन्यवाद दूंगा कि अनवरत हमारे टच में ही रहता है। अभी चाहे स्कूलों के अंदर कोई भी आमूलचूल परिवर्तन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके ये जब भी कोई भी कागज मेरे पास भेजता है मेरा दिल हमेशा खोल के रखता हूँ शिक्षा के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि शिक्षा वो हथियार है। अभी 3 दिन पहले मुझे 2 दिन का शेखावाटी प्रवास का सौभाग्य मिला और जब मोर सुंदर नाच नाच के और अपने पाँव की तरफ देखता है थोड़ा उधर से उसके मन में आती है। हमने शेखावाटी का सिस्टम और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देखा तो रात और दिन आसमान का रात और दिन का फर्क है, धरती आसमान का अंतर है। वहां के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आप देखो और हर घर के अंदर कोई सरकारी नौकर, बहुत बड़ी बात है। ऐसा सिस्टम हम ये चाहते हैं कि सर विधानसभा में बढ़े, शिक्षा के प्रति समर्पित भाव से हम लोग आगे बढ़े और वसुदेव कुटुंबकम और सबको साथ लेकर चलने की हमारी परिपाटी रही है। और हम दोनों भाइयों ने ईमानदारी से प्रयास किया है कि किसान के बेटे हैं और हम कुछ करेंगे तो हो सकता है दूसरे जो विचारधारा के लोग हैं वो तो जरूर ये नहीं कहेंगे इन्होंने अच्छा काम किया नहीं किया, उनसे हमें कोई सर्टिफिकेट भी नहीं लेना। लेकिन यहाँ की जनता ने 2008 से लेकर हर परिस्थिति के अंदर हम दोनों भाइयों को दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया है, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं जनप्रतिनिधियों से इतनी मैं अपेक्षा रखूंगा हम कोई कॉलेज खुलाएं आप ऐसा नहीं उस कॉलेज को 12वीं करा लो, 8वीं स्कूल कराएं आप 8वीं को वापस 5वीं करा लो, ये बातें अच्छी नहीं है। हम सबका मिलकर एक ही प्रयास होना चाहिए जो 5वीं स्कूल है वो 8वीं हो और जो 10वीं हो वो 12वीं हो। एक पहले भी हमारे जनप्रतिनिधि बनने का सपना देख रहे थे, उन्होंने भाषण दिया मैं अस्पतालों के अंदर टीचर भर दूंगा, स्कूलों के अंदर नर्सें लगा दूंगा, ऐसा काम हमें नहीं करना। इसलिए मैं इतना निवेदन आपसे करूंगा क्योंकि चुनावी समय है और आपको अच्छे जनप्रतिनिधि चुनना है, क्योंकि जनप्रतिनिधि गाड़ी के अंदर हेडलाइट का काम करता है। गाड़ी चाहे 1 लाख की हो और चाहे 5 करोड़ की, जब तक उसके अंदर अच्छी हेडलाइट नहीं होगी तब तक आप मैं अंधेरी रात में सफलता से आप वो ड्राइविंग नहीं कर सकते और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए अच्छे जनप्रतिनिधि आप जो लोग चुने और गुरुजनों से मेरा विशेष निवेदन अपने अपने स्कूलों में कोई भी काम हो आप तुरंत बताएं, चाहे हमें सरकारी सिस्टम से काम करना पड़े चाहे भामाशाह को प्रेरित करना पड़े, आपके किसी काम के लिए हम कमी नहीं रखेंगे। अभी कल जब यह कार्यक्रम था तो भोमा सर स्कूल की बात कर रहा हूँ, भोमा सर में शायद केदाराम जी पीओ है, उन्होंने बहुत अच्छे काम कराए। मैं भी कई बार उधर से निकलता हूँ कुछ स्कूलों को मैं देखता भी हूँ, ये प्रयास भी करते हम लोग कुंडाला के अंदर छोटी छोटी स्कूलों के अंदर जब स्मार्ट क्लास मैंने देखा तो मैंने 2-3 कक्षा जो बढ़ाए थे उद्घाटन कार्यक्रम में मैं गया था तो हमें भी बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं तो इतना निवेदन गुरुजनों से करूंगा कि आपको और हमको सबको नैतिक रूप से एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें अब सरकारी स्कूलों की हालत में सुधार करना ही पड़ेगा, वरना जिस स्पीड से निजीकरण बढ़ रहा है आपके बच्चों को कहीं सरकारी रोजगार नहीं मिलेगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। सरकार यही चाहती है कि आप लोग सुस्त रहो और हम पूरा पूरा निजीकरण कर दें इस देश के अंदर। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है अच्छा एक प्लेटफॉर्म आप बच्चों के लिए स्कूलों के अंदर बढ़ाएं, उसके अंदर धन की कोई कमी हो तो आप लोग निश्चित रूप से मुझे बताएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जमाना है,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है और आज मुझे कितनी बड़ी पीड़ा हो रही है कि आज अभिभावक जो है वो 60,000 की तनख्वाह मिलने वाले सरकारी स्कूल में टीचर्स की बजाय 8,000 की तनख्वाह मिलने वाले प्राइवेट स्कूल के टीचर्स अपने बच्चों को पढ़वाना चाहते हैं। ये कारण क्या? इस कारण में हमें सबको मिलके और विश्लेषण करना पड़ेगा, इसके क्या अच्छे, इसके परिणाम हम सब लोग मिलके और सही दिशा में अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएं ताकि अभिभावक जो है वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजें। हमें निश्चित रूप से इस चीज के लिए बड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन क्यों सर, मैं इतना मैं आपको भरोसा दिला के जाना चाहता हूँ, क्यों सर के अंदर भामाशाहों से लेके और जनप्रतिनिधियों से लेकर सबको, किसी को भी यदि आप कहोगे तो आपकी सेवा और आपके सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। मैं एक बार पुनः इन नन्हे मुन्ने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना प्रसिद्ध करके और इस अपेक्षा के साथ कि अब अनुशासित जीवन आप लोग जियोगे और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और एक बार मैं जनप्रतिनिधियों का आज्ञा कहूंगा, क्योंकि धीरे धीरे चुनाव आचार संहिता भी पास में आ जाएगी और हमें मिलने का मौका एक दूसरे से मिले या नहीं मिले, कहीं ऐसे कार्यक्रमों के ऊपर हम एक दूसरे से मिल सकते हैं नहीं मिल सकते, अपनी कथनी और करनी के अंदर अंतर आप मत किया, इस चीज को आपको सोचना पड़ेगा। मुझे कई लोग कहते हैं, अब कई बार ऐसा होता है मानस तंत्र के पटल पे प्रभाव किस चीज का पड़ता है, लिटरेचर, आप क्या कह रहे हो, आप क्या बोल रहे हो और जो कह रहे हो और बोल रहे हो आप पे सटीक लागू होता है कि नहीं होता। मैंने अक्सर देखा इस बात को, ये मेरे मन की पीड़ा है, मैं राजस्थान की विधानसभा में इस पीड़ा को जगह चुका हूँ। मुख्यमंत्री जी ने इस बार कहा था कि हम प्रदेश को जीरो टॉलरेंस की तरफ लेके जाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान की कल्पना मुख्यमंत्री जी ने की। तब मैंने उस भाषण में मैंने कहा था, मुख्यमंत्री जी आपको 7.5 करोड़ जनता को ईमानदार नहीं बनाना है, आपको आपके सराउंडिंग जो 30 मीटर के अंदर जो बैठे हैं, जिसके अंदर मंत्री आ गए, विधायक आ गए, सारे ब्यूरोक्रेट्स आ गए, इनको भी यदि आपने ईमानदार बना दिया तो 7.5 करोड़ जनता अपने आप ईमानदार बन जाएगी। तो जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करूंगा, अपनी कथनी और करनी के अंदर अंतर नहीं और वैसा ही भाषण दे। अब कुछ जनप्रतिनिधि जब भाषण देते हैं गाँव के अंदर नशा मुक्त समाज बनाना है और दूसरे दिन अखबार में आता है कि वही व्यक्ति नशे का कारोबार करते हुए पकड़ा गया, इससे जनता के अंदर मैसेज किया जाता है कि आप लोग गलत हो। इसलिए मैं इतना निवेदन जनप्रतिनिधियों से भी करूंगा, आप जैसे हैं वैसा जनता के सामने परोसे और हमें किसी सर्टिफिकेट नहीं लेना, हमें तो जनता अपने आप सर्टिफिकेट दे देगी हमने क्या काम किया और काम किया है, तभी आज दूसरी पीढ़ी से आप लोग लगातार आप लोग आशीर्वाद भी देते आ रहे हो और मैं आप सब लोग यहाँ पधारे हैं, आप सबको उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना प्रसिद्ध करते हुए इसी अपेक्षा के साथ कि हम नशा मुक्त, भय मुक्त, अपराध मुक्त और शिक्षित समाज बनाकर और सही दिशा के अंदर हम अपने इलाके को आगे ले जाएंगे। धन्यवाद। राम राम साहब।